बोलना नहीं है किसी ने भी। इधर देखो आप असाइनमेंट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था सभी से, सेकंड क्वेश्चन यस सर। एक बार देख लो इधर आप फाइंड टू कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स हम क्या लेंगे, x और x प्लस 2 लेंगे। होल स्क्वायर्स हैव द सम, स्क्वायर्स हैव द सम x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 340। फिर इसकी क्वांटिटी बनाओगे और सोल्व करोगे आप, हिंट दे रहा हूं मैं सबको, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों आप, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। तो दो नंबर आप कौन से लोगे, x और y, तो इनका डिफरेंस क्या होगा बच्चों 4। इसको आप लार्जर नंबर बोलो, इसको स्मॉलर नंबर बोलो आप, क्लियर। लार्जर और स्मॉलर, लार्जर नंबर कौन सा बच्चों x और स्मॉलर नंबर y, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 1 बाय x माइनस 1 बाय y इज इक्वल टू 4 बाय 21। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लार्जर स्मॉलर की, स्मॉलर की बात इसमें नहीं है, राइट। इज इक्वल टू 4 बाय 21 एलसीएम लो आप यहां पर y माइनस x अब कौन में x y इज इक्वल टू 4 बाय 21 पर y माइनस x ले लो, नहीं तो जो थोड़ी ले भी सकता हूं और नहीं भी। अच्छा बच्चों बोर्ड पर देखो आप, मान लो बच्चे ने x माइनस y ले लिया, क्लियर। या तो आप इसको y माइनस x कर दो तो आप यहाँ भी वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि तो यहाँ पर छोटा बड़ा कोई नंबर नहीं दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आप x y, अगर आप x माइनस y से चलना चाहते हो तो मुझे यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बोथ आर नॉट सेम, समझिए ना। मैं यहाँ पर 4 नहीं पुट कर सकता, तो मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहिए। एक बच्चा कहते हैं सर मैं तो इसी से चलूंगा, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे बच्चों आप, इधर देखो आप x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 4 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 बाई 21। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 21 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 21 बाई x। ये y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 1 में, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर दो x माइनस, अगर अलजेब्रा अच्छा है तो आंसर आएगा, जब तो माइनस से दिखता ध्यान रखो ब्रैकेट लगाइए मैंने, y की वैल्यू माइनस 21 बाई x पुट कर दो, तो x प्लस 21 बाई x इक्वल टू 4। अब एलसीएम लो, x स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 4x। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना, और फैक्टर्स आते हैं तो फैक्टर से करना, और नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना। आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, हाँ बच्चों तो कर लेंगे, हाँ बच्चों। सर हाँ 2x और 2x प्लस 2 ले लेते हैं, बड़ा सर ऑड आ रहा है, वहाँ पर क्या लिए को, यहाँ पर फाइंड टू कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स, टू लो मैं 2x सर, और तेरे मिस्टर से देखा है इसने, तूने टू एक्स इसके पीडीएफ से देखा होगा, तेरे दिमाग में कैसे आ गया कि 2x पे, तो क्यों लेंगे हम 2x, क्योंकि x तो फिर 3 भी हो सकता है ऐसे, कैसे x अगर 3 होगा तो 5 बन जाएगा ना, तो हम तो इवन नंबर ले, हम तो इवन नंबर सोचते चल रहे हैं ना, हम 2 और 2 लेंगे, अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो 4 हो नहीं जाएगा। आप जब इवन नंबर होगे तब भी आप ये लोगे, जब ऑड होंगे तब भी आप ये लोगे, ओके राइट। नेक्स्ट बच्चों मुश्किल काम क्यों करना, थर्ड हो गया, अब फोर्थ का हिंट देखो आप, हिंट दिल्ली दे रहा हूं मैं सर, सब बच्चे कर चुके हैं, पूरा सोल्व कर दिया था उन्होंने, वो भी नोट कर रखा, वीडियो में देख लियो, अब वीडियो आ जाएगी ना उसमें देखियो। फिफ्थ क्वेश्चन, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट, टू डिजिट नंबर बच्चों, हाँ बच्चों टू डिजिट नंबर, आप यूनिट प्लेस पर x ले लो, टेंस प्लेस पर y ले लो, तो ओल्ड नंबर, ये सब मैंने करवाया है लीनियर इक्वेशन में, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, पूरी असाइनमेंट करवाई है मैंने लीनियर इक्वेशन के अंदर, कम से कम 8-10 क्वेश्चन थे ऐसे, क्यों नहीं पढ़ाई करी तूने वहां पर, पहली बार थोड़ी कर रहे हो, जिन्होंने लीनियर इक्वेशन मेरे साथ किए हैं ये पूरी असाइनमेंट है ना उसकी, पूरी असाइनमेंट थी 10 क्वेश्चन की, 10 या 12 जो भी थे, शर्म आनी चाहिए।
ईमानदारी की कमी है। फिफ्थ क्वेश्चन, टू डिजिट नंबर, तो ओल्ड नंबर क्या होगा बच्चों, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 10y + x, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों 8 है। When 18 is subtracted from the number, the digits interchange their places. वो कह रहे हैं इसमें से जब मैं 18 माइनस करूंगा, when 18 is subtracted, इसमें से 18 माइनस कर दो, then digits interchange. बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? तो वो ये कहना चाहते हैं बच्चों, ये जो नंबर्स है ना, इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, समझ गए? तो डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, यानी 10 × x + y, वो ये बोलना चाहते हैं। यानी इस नंबर में से जब आप 18 माइनस करेंगे तो डिजिट्स इंटरचेंज रहेंगे नंबर के, जैसे 53 है नंबर तो 35 बन जाएगा, एग्री? तो डिजिट्स इंटरचेंज का मतलब ये होता है, देखो डिजिट्स इंटरचेंज, मैं लिख रहा हूँ डिजिट्स इंटरचेंज। अब इसको सोल्व करो, इन दोनों को उठाकर इधर ले आओ, 10y - y, 9y (x - 10x - 9x) और -18, अब बच्चों और y - x - 2 = 0, क्लियर हो गया यहाँ पर? अब आप क्या करोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो x + 2, y की वैल्यू x + 2, वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, तो x * y (x + 2) = 8, ये हुआ तो नहीं सर, क्या ये सब तो नहीं किया हुआ? तो ये सब तो नहीं किया ना तूने, फिर जबकि उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए मैंने लीनियर इक्वेशन में, बस यहाँ आके तो फर्क पड़ते हैं, वहाँ लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, एक और इक्वेशन बन जाते थे, दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सोल्व करते थे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रही है, यहाँ तो वाई की वैल्यू x + 2 उठाते यहाँ पुट कर दूँ। अब इसको सोल्व करो, x² + 2x, 8 को इधर लाओ, -8 = 0, आगे फैक्टर्स बनाकर सोल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगा लेना, और जो x की वैल्यू आएगी उसको अब यहाँ पुट करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा y आएगा, फिर x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप, उससे तुम्हें नंबर मिलेगा, समझ आ गया? हो गया था तुम्हारे से? नोट कर जल्दी से फटाफट, इतना टाइम नहीं है बेटे, जल्दी नोट कर। अब चलो बच्चों अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास फिफ्थ के बाद सिक्स, बच्चों मैंने करवाया था, टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो x - y = 3, ये लार्जर ले लो ये स्मॉलर ले लो, ठीक है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, इसमें कोई लार्ज स्मॉलर की बात नहीं, वो आगे वाले अच्छा, एंड देयर प्रोडक्ट, बच्चों उन दोनों का जो प्रोडक्ट है 504 है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या होगी, y + 3, वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, y + 3 × y = 504, y² + 3y - 504 = 0, क्लियर? तो 21 और 24 है ना, तो इसके फैक्टर्स बना लेना बच्चों, 24 - 21 करके, क्लियर? और अगर आपसे इससे फैक्टर्स नहीं समझाते तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगा सकते हो, या तो आप फैक्टर्स बनाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, राइट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अर्नब से पूछ लेना, नहीं आता होगा। 7th बच्चों, डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 180, द स्क्वेयर्स ऑफ स्मॉलर नंबर, देखो बच्चों दो नंबर ले लो एक्स और वाई, ये लार्जर है ये स्मॉल है, ये लार्जर है और ये स्मॉल है बच्चों, डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स यानी x² - y² = 180, x² - y² = 180, द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y का स्क्वेयर करूंगा मैं, तो y² ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स अ लार्जर, इसका स्क्वेयर किया हमने 8 टाइम्स अ लार्जर, तो = 8x, क्लियर हो गया सभी को? सुन रहे मेरी बात? ये रखाई नोट करने में लगा हुआ है, ये बाद में नोट कर लियो, समझ गया तू चीजों को, स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स अ लार्जर नंबर, तो स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स अ लार्जर नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़कर उसकी इक्वेशन बनानी सीख,
अब बच्चों नेक्स्ट है, बताओ कौन बताएगा मुझे? सब्स्टिट्यूट y स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दो आप, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 फैक्टर्स कौन से बनेंगे आप? माइनस 18x प्लस 10x कर लोगे आगे? यस सर, सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है ना? और हमारे पास 7 हो गया, उसके बाद 8th क्वेश्चन, 8 का मैं हिंट दे रहा हूं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88. यहां भी बच्चों वही कहानी है, ये लार्जर ये स्मॉलर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 88. इफ लार्जर नंबर, सुनो इधर, लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, कोई नहीं बोलेगा ना बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 88 है, लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, बता क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं मैं यहां पर, जल्दी बोल एक्स इज इक्वल टू लार्जर नंबर एक्स इज इक्वल टू, जल्दी बोला के बोल 5y. क्या बोल रहे हो? 5y गलत बोल रहे हो, तू इंग्लिश की हिंदी करना सीख. Milind. 2y-5. लिखा नहीं हुआ वहाँ पर, देख 5 less than twice the smaller number. Smaller number y. X is equal to 2y-5. X की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर आप. तो 2y-5 whole square minus y square equal to 88. ठीक है? अब इसको सोल्व कर लेना. सोल्व yourself. कर लोगे आगे? Quadratic बनेगी. फिर y की वैल्यू जो आएगी पुट कर देना. उससे x की वैल्यू आ जाएगी. तो 8th क्वेश्चन हमने मैं तुम्हें बता दिया कैसे करना है. नाइन्थ पर आ जाओ. नाइन्थ क्वेश्चन में देखो आप, फ्रैक्शन बच्चों लेने, फ्रैक्शन ले लो आप, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर, इफ 2 इज एडेड टू बोथ देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओल्ड फ्रैक्शन इज 29/20, इफ 2 इज एडेड टू बोथ. एक काम करते हैं, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर, बताओ मैं इसको कैसे लिखूं? ओल्ड बच्चों न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन, नीचे x ले लेते हैं, अब बताओ ऊपर क्या लिखूं मैं? x माइनस 3. न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर, समझ आ गया? अब दोनों में 2 प्लस कर दो बच्चों, ये न्यू बन जाएगा, दोनों में 2 प्लस कर दो. इफ 2 इज एडेड टू बोथ x माइनस 3/3 प्लस 2 और x प्लस 2, इसको सोल्व करो, x माइनस 1 और x प्लस 2, ये न्यू फ्रैक्शन आ गया. अब देखो क्या लिखा हुआ है, देन सम ऑफ न्यू एंड ओल्ड इज 29/20, बताओ क्या करूं मैं यहां पर? प्लस कर दूंगा मैं x माइनस 3/x प्लस x माइनस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 29/20. अब इसको सोल्व करना है, समझ आई कहानी? न्यू प्लस ओल्ड हो गया ना, ओल्ड प्लस न्यू, समझ गए? अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है तुम्हें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x, नीचे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पता चला मैंने क्या कर दिया? अब बच्चों यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 2x आ गया, माइनस 6 आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 29x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? 29x स्क्वायर प्लस 29 इनटू 2 कितना होता है? 58x. इट्स ओके, समझ आया क्या किया मैंने? एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जरा से भी गलती करोगे आंसर नहीं आएगा. अब बच्चों 20 इनटू 2 कितना हो जाएगा? 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 29x स्क्वायर प्लस 58x. अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इधर लाओ, 40 माइनस 20 देन कितना हो गया बच्चों? 11 राइट, और माइनस ये 58 इधर आएगा बच्चों, माइनस 77 50 40 और माइनस का कुछ नहीं किया, माइनस 98x और माइनस 120, तो गड़बड़ तो नहीं? चेक करो अगर तुमने क्वांटिटी बनाई है तो, किस बच्चे ने सोल्व किया होगा? दूसरे तरीके से क्वांटिटी तो ये आ जाएगी ना. यस सर,
फैक्टर सुनाओ फिर उसके या मेरे तो अगला क्वाड्रेटिक फार्मूला लाओगे हैं -110 + 12 हम सोचो -110 + 12 -110x + 12x तो ये हो जाएगा -98 और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ठीक है 11x² और माइनस का 120 = 0 इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 11x तो x - 10 + 12 कॉमन ले लो तो x - 10 तो 11x + 12 आ गया और x - 10 आ गया अब x की वैल्यू क्या होगी -12/11 और x की वैल्यू 10 समझ आ गया और अब फ्रैक्शन तुम्हें क्या बता रहा था इस क्वेश्चन में फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन तो x की वैल्यू 10 बच्चों कहां पर पुट कर दोगे आप इसमें x की वैल्यू 10 आप यहां पर पुट कर दे तो 10 - 3 क्या होगा 7 और 7/10 आंसर आ जाएगा तो आंसर आपका आएगा 7/10 जब आप x की वैल्यू 10 यहां पर समझ आ गया ये हम एक ये रिजेक्ट कर रहे हैं बच्चों यस सर क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बेसिक फ्रैक्शन है हमें नंबर्स बता रहे हैं ना और सर मैं एक बार देख -12 ठीक है सर हाँ मैं एक बार देख के बता दो सही 7/10 बच्चों क्लियर हो गया नोट कर लो फटाफट जल्दी नोट करो 10th क्वेश्चन बच्चों 10th बच्चों आप देखना आप इधर अ फार्मर विशेस टू ग्रो अ 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल वेजिटेबल गार्डन 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर बच्चों ये एक्स ले लो ये वाई ले लो तो इसका एरिया बच्चों दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर तो बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया 100 गिवन आपको yes. तो मैं जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता है सब कुछ करता हूँ तुम भी तो घर बैठे कर सकते हो एफर्ट्स की बात है बस सिंस ही हैज विद ओनली 30 मीटर बारबेड वायर ही फेंसेस 3 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन लेटिंग कंपाउंड वॉल ऑफ हिज हाउस ये घर की दीवार है या रिवर भी हो सकती है क्वेश्चन में रिवर भी दे सकता हूँ या रिवर भी हो सकती है ओके तो तीन तरफ वायर लगाओगे ताकि कोई अंदर ना सके अब बच्चों टोटल वायर की लेंथ 30 मीटर है सर 2x बताओ इक्वेशन कौन सी बनेगी चुप बाकी बच्चे मुझे बताएंगे 30 मीटर का यूज कैसे करूं इक्वेशन कैसे बनाऊं नहीं सर सीधे बता मुझे 30 - 2x एक्सप्लेन करना सीख चीजों को क्या बोल रही है तू 30 मीटर की वायर है बच्चों ये विद्यांश क्या आईक्यू नहीं है 30 मीटर की वायर है यार 30 मीटर वायर है ये तेरे पास 30 मीटर वायर है जो लगाई है तूने डायग्राम को देख बेसिक आईक्यू वाला क्वेश्चन है ये 30 मीटर वायर है इक्वेशन बना कर दे मुझे बना सकते है क्या बना सकते है तू तो जो बच्चे ये इक्वेशन नहीं बना पा रहे हैं वो अपना आईक्यू लेवल चेक कर ले कितना डाउन है तू अपना मुझे इक्वेशन बना के दे सकते है क्या तू बता सकते हैं 30 मीटर वायर का यूज कैसे करूं मैं मिलिंद क्या करना है इसे कुछ नहीं करना यार इसे बोर्ड पर देखना होता है इसको करना क्या है 30 मीटर वायर है ये साफ दिखाई दे रहे क्या क्या कर रहे हो तो एरिया अरे यार फेंसिंग 30 ये वायर लगाई है मैंने 30 मीटर वायर 2a + x इक्वेशन नहीं समझ आती थी 30 का यूज कहां किया तूने अरे बड़ी सिंपल सी आई क्यू है यार ये कितनी लेंथ है वाई ये कितनी लेंथ है एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स प्लस वाई तो यहाँ वायर लगी है ना तो वाई उठा लो वाई मीटर ले लो प्लस एक्स मीटर प्लस वाई मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 30 इतनी कॉमन सेंस नहीं है तो बेसिक चीज है जो बच्चा इतनी सी बात नहीं सोच पाता बार बार हिंट दे रहा हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वायर की लेंथ 30 मीटर है और वाई प्लस वाई कितना हो गया 2y अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो 30 प्लस बताओ मैं y की क्यों नहीं निकाल रहा
कौन बताएगा मुझे? इसे आई क्यू बोलते हैं। और जो बच्चे इतनी सी बातें मुझे बता पाते हैं उनकी लेस आई क्यू है। x की वैल्यू क्या होगी? 30 माइनस 2y। ये x की वैल्यू पुट कर दो आप, 30 माइनस 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 100। अब क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पर, 30y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, इनको उधर ले जाऊं या इधर लाऊं? 100 भी उधर लाऊं, इनको उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, 2y स्क्वायर माइनस का 30y प्लस का 100। तो कॉमन ले लो आप, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50, 10/5 बना लोगे फैक्टर्स? समझ, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू का क्या करेंगे हम? कहाँ पुट करेंगे हम? कहाँ? यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, समझ गए? वाई की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी। उससे क्या आ जाएगा? एक्स। एक्स की मान लो दो वैल्यूज आ रही है, एक माइनस 10 और एक प्लस 10। क्या आंसर लोगे? लेंथ चाहिए, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है ना, नोट कर लो, सारा हो गया। इसको पेस्ट कर घर जाया कर ऐसे।